केसरिया हवानी पधारो हरे देश की केसरिया हवानी जो हम अनेक सब ताली बजा दो बहुत अच्छा। और एक अंतिम प्रश्न, एक भारत माता की जय। बोले क्या फोटो खींचने बाद भारत एक है तो ग्राम पंचायत से पधारी बहनों, आप सभी को पता है कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है। जैसे मैंने पूर्व में भी आप पाए हैं और आजादी में हमने किन लोगों को खोया है और आगे जो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमको बनाना है उसके लिए ये कार्यक्रम है। और इसी निमित्त हम आज इस पंडाल में एकत्र हुए हैं कि हम किस प्रकार हमारे जो पुरोधा रहे हैं आजादी के, उनको हम कैसे याद करें, उनका इतिहास कैसा रहा है, उनके परिवारों की जब आजादी के आंदोलन में बलिदानियां हुई है तो उनके परिवारों का कैसा हाल रहा होगा। आज जो ये प्रदर्शनी के माध्यम से, क्योंकि ये इतिहास है आजादी का, तो इसको एक एक प्रदर्शनी पे लगे हुए पोस्टर को फोटो को हमें संग्रहित करके आप अपनों का सहयोग रहा हमारे बच्चों को जान। प्रधानमंत्री ने एक और जो हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उनका एक उद्देश्य है पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का लोकार्पण जब 75 वर्ष पूरे हो जावे तो 2022 15 अगस्त को नए लोकसभा भवन मालूम नहीं, जैसे मेरे को भी मालूम नहीं। मैं अभी इम्फाल गया तब पहली बार देखा कि सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी तो उसका मुख्यालय मणिपुर के अंदर मोरांग में था। और तो ये है तो भाई सबको नहीं, तो मेरे को भी जानकारी नहीं थी कि जो भारत सुभाष नेताजी ने आजाद हिंद फौज का कहाँ पे मुख्यालय, जो आज देश में जो समस्या है उसके बारे में धीरे 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 कैसे दूर कर रहे हैं उन समस्याओं को, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो कार्यक्रम
और क्या है, क्योंकि हमारे देश की क्या परंपरा रही है, क्या संस्कृति है, कैसे आदान प्रदान करना चाहिए, कैसे राष्ट्र एकता के सूत्र में बांधना चाहिए, उस पर डीडी को ले या डीडी में पकड़ लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ सर बताए करें। जी सर, सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश में लगाई जाने वाली प्रदर्शनियों की कड़ी में भीलवाड़ा जिले की सापरा पंचायत समिति मुख्यालय पर 24 से 26 तक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का एकमात्र उद्देश्य है कि जो स्थानीय नागरिक है, युवा है, बच्चे हैं, महिला है, उनमें देश प्रेम की भावना विकसित करना, साथ ही हमारे देश के जो आज़ादी में जो शहीद हुए, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करना, जिससे कि लोग उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ साथ में जो हमारे महापुरुष है, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके जीवन से जुड़ी जो घटनाएं उनके बारे में जानकारी हासिल कर सके, उनके सिद्धांतों पर चल सके और उनका अनुसरण कर सके, जिससे कि देश के विकास में वो अपनी भागीदारी निभा सके। जो ये प्रदर्शनी आज सापरा में प्रारंभ हो रही है और प्रधानमंत्री जी की सोच कि आने वाली पीढ़ी को किस तरह से भारत स्वतंत्र हुआ, किन्होंने बलिदान दिया, क्या क्या उसमें कार्यक्रम थे, क्या क्या विरोध किया, इस बारे में आने वाली पीढ़ी को जानकारी हो और उस हिसाब से हर तहसील हेडक्वार्टर पे, एसडीएम हेडक्वार्टर पे ऐसी प्रदर्शनी का पूरे देश में आयोजन हो रहा और पूरे देश में एक वर्ष का जो है प्रोग्राम पूरे देश में चल रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। अलग अलग तरह से अलग अलग विचार में भी इम्फाल भी गया था, वहाँ पे भी कार्यक्रम था, वहाँ पे भी वहाँ के स्थानीय हिसाब से प्रदर्शनी थी और वहाँ पे जोर था भाई आत्मनिर्भर भारत कैसे, वहाँ प्रदर्शनी में वहाँ पे जो निर्माण होता है उनकी प्रदर्शनी थी। वो अलग अलग ढंग से कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और इससे यह है कि आने वाली पीढ़ी को यह मालूम पड़ेगा कि आज़ादी कैसे मिली और उसके साथ साथ राष्ट्र के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है उसकी जानकारी।